हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे 10B से। 10B में जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, इफ एफजेड इज एनालिटिक विद कांस्टेंट मॉड्यूलस देन इट इज कांस्टेंट। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्या होगा, तो ये भी हमारा कॉन्स्टेंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि ये दिया गया है कि एफजेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि कॉन्स्टेंट मॉड्यूलस के साथ है। तो हमारा जो यहाँ पे कंडीशन हम लोग लेट कर रहे हैं कि एन एनालिटिक फंक्शन बी बट कौन एफजेड ले लेते हैं, और एफजेड की वैल्यू क्या होती है, यू प्लस आई बी। अब क्योंकि इसके मॉड्यूलस के बारे में बात किया गया है, तो हम यहाँ पे इसके मॉड को ले लेंगे, तो एफजेड ले लेंगे। जैसे ये एफजेड हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर के बराबर। फाइन, अब हमें कुछ दिया गया है, ये गिवन है कि मॉड ऑफ एफ जेड जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है, एनालिटिक विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस। तो हम लोग इसको मॉड ऑफ एफ जेड को क्या मान ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, और इसके नाम को हम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या है, सी के बराबर है। ठीक है, और ये सी की जो वैल्यू है ये आपका जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, एफजेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो एफजेड की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें, क्योंकि देखो यहाँ पे एफजेड का स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माना गया है, तो एफजेड की वैल्यू को क्योंकि हमने सी मान लिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड देन टू यहां से हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कॉस। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, और कंडीशंस कॉस रेमन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा 0 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2 टाइम्स डेल वी बाय डेल एक्स, एंड यहां से हमें मिल जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू प्लस डेल वी बाय डेल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, यहां पे यू भी होगा, सॉरी, एंड यहां पे 2 वी होगा, तो यू डेल यू बाय डेल एक्स वी डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर। सो लेट पुट दिस इक्वेशन नंबर 4। Again, we are going to differentiate, again differentiating 3 partially with respect to y. अब y के respect to differentiate करें तो फिर क्या मिलेगा, 0 equal to 2u del u by del y and then 2v del v by del y के बराबर। तो यहां से हमें मिल गया u del u divided by del y plus v del v divided by del y. And this is equals to 0, equation number 5. अगर हम यहाँ पे कॉसी रेमन इक्वेशन को अप्लाई कर दे इक्वेशन नंबर 5 में, तो लिखते हैं सिंस बाय कॉसी रेमन इक्वेशन, आई एम राइटिंग सी डॉट आर डॉट ई, यू ऑल जस्ट राइट इट हियर, कॉसी रेमन इक्वेशन, ओके, देन यू एक्स इक्वल टू वॉट, वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 6, 4 वाले को कुछ नहीं करें, 4 को एज इट इज छोड़ रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे यू जो आएगा आपका ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगा, कुछ ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल में इसको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 5 और 6 से हम यहाँ इक्वेशन नंबर 5 को लिख सकते हैं यू इन टू, ओके, यू वाई की वैल्यू कितना, माइनस वी एक्स, तो ये हो जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स के बराबर विद द माइनस साइन, ओके, देन वी हैव प्लस साइन वी, फिर डेल वी बाय डिवाइडेड बाय डेल वाई की वैल्यू जो है ये डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6 से, तो ये हो जाएगा डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स के बराबर, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशंस को हमारे एक वेरिएबल, दैट इज एक्स के वेरिएबल में
हमने इसको चेंज कर दिया, यहाँ एक्स कैसा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स, अच्छा यू टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फाइंड करेंगे वैल्यू। यहाँ पे डेल वी बाय डेल एक्स है, सॉरी के, एंड देन डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर है। ओके, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 7, तो क्या मिलेगा ये देखो। जब 4 से करेंगे तो यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स की स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल वी बाय डेल एक्स की स्क्वायर, देन प्लस 2 टाइम्स यू वी डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर, देन प्लस फिर इक्वेशन नंबर 7 से हो जाएगा यू स्क्वेयर डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर एंड देन माइनस 2 UV डेल वी बाय डेल एक्स एंड देन डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहां से जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे कॉमन वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे भी यू स्क्वेयर, तो यू स्क्वेयर कॉमन होगा, हमें मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर, एक ब्रैकेट, और इस तरह से इसको ले लेंगे। देन वी हैव प्लस वी स्क्वेयर, अगेन वी हैव डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर फ्रॉम हियर एंड देन डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, 0 के बराबर है। सो दिस इंप्लाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा फैक्टर बन जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स की होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखो क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और सी की वैल्यू 0 नहीं है, ये हम लोगों ने पहले ही कह दिया है। इसीलिए यहां से जो हमें वैल्यू 0 मिलेगा वो है डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जो सी स्क्वायर के बराबर है, और ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, फाइन। एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज योर मॉड ऑफ एफ डैश जेड। देखो क्यों, क्योंकि अगर एफ जेड की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, u प्लस आई वी दिया गया, हम अगर f डैश z निकाले x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल u बाय डेल x प्लस i डेल v बाय डेल x के बराबर। सो व्हाइल टेकिंग द मॉड ऑफ दिस वैल्यू वी हैव f डैश z इक्वल टू व्हाट, डेल u बाय डेल x होल स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल x की होल स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहां से ये वैल्यू मिल जाएगा, इसीलिए इस पूरे वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, ये रूट में आता है ना, तो रूट में आता है तो हम लोग क्या किया, मॉड को स्क्वायर कर दिए, तो ये वैल्यू यहाँ से रूट हट गया, तो हमें यहाँ पे इसकी होल स्क्वायर इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स की होल स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। एंड देयरफॉर इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख रहे हैं, मॉड एफ डैश जेड होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगा एफ डैश जेड का, ये कितने के बराबर हो गई, ये हो गई आपकी 0 के बराबर, क्योंकि एफ डैश जेड इक्वल टू 0 है, इसीलिए क्या यहाँ से एफ जेड हमें कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा, सो एफ जेड इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ करना था हमें, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दोगे, हेंस एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉड्यूलस इज कांस्टेंट, हेंस एनालिटिक फंक्शन with constant modulus is constant, with constant modulus is constant। तो बस इतना ही लिखना है एग्जाम में आपको। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, तो जो सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो था डिफाइन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 11A, फाइन। सेकेंड वन इज 11A, ये था डिफाइन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन।
Now let's see the solution. How can we write the definition of the conformal transformation? So जब भी conformal transformation आप define करोगे, आप figure जरूर बनाएंगे exam में, सबसे पहली बात, ठीक है? तो conformal transformation generally होता क्या? Transformation generally क्या है? एक plane से दूसरे plane पे जब भी किसी curve को हम trace करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? Transformation, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम लोग transfer कर रहे हैं कुछ चीज को। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि let W equal to FZ, क्योंकि W plane से पर काम कर रहे हैं, तो ये हो गया U plus IV and and let the transformation and let the transformation W equal to FZ. Okay, may a point P Z naught, कोई एक पॉइंट हम लोग खुद से इसको मान ले रहे हैं, तो क्योंकि पी जेड नॉट माना तो ये हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट के बराबर ऑफ द जेड प्लेन, ओके, टू अ पॉइंट। अब एक नया पॉइंट हम लोग मान रहे जहां पे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मान लेते ये पी डैश है, तो पी डैश डब्ल्यू नॉट, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी यू नॉट वो वी नॉट, मतलब हम लोग जेड प्लेन से कहां ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? डब्ल्यू प्लेन पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरी पॉइंट अभी एक्स वाई हम लोग ले रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो यू वी के में चेंज हो जाएगी, तो यू नॉट वी नॉट ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, फाइन। अब क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो तो कोई कर्व जरूर होगा, तो मान लेते हैं फर्दर लेट एनी टू कर्व, ओके, कोई भी दो कर्व लेते हैं, सी वन एंड सी टू, any two curves c1 and c2 intersecting at z0, okay, be mapped respectively onto the curve gamma 1 and gamma 2. कहने का मतलब है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मान लो ये मेरी क्या है, जेड प्लेन है, तो यहाँ पे आप फिगर बना के समझाते हैं, और ये हो गया हमारा डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन में जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, देन दिस इज योर ओरिजिन, फाइन। तो यहाँ पे जो मेरा कर्व है वो मान लो इस पॉइंट पी पे कर्व का कार्य कर रहा है, और यहाँ पे मुझे दो कर्व मिले, एक C1 मिला है और एक दूसरा C2 मिला, C1 एंड देन C2, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे कर्व आपस में एक दूसरे को, ठीक है, और ये बना रहे एक एंगल यहाँ पे थीटा। तो जब ये कर्व ट्रांसफॉर्म होता है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पे, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, सिर्फ ये पॉइंट जो है अभी मेरा पी था, अभी इसका नाम क्या हो गया, पी डैश हो गया, और यहाँ से भी फिर वही हमारे दो कर्व क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे गामा 1 एंड देन गामा 2, और एंगल हमारा वही होगा थीटा। तो बेसिकली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ पॉइंट्स चेंज होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा फिगर भी जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिखेंगे क्या आइसोक्रोनल में, कि इफ इन सच ट्रांसफॉर्मेशन द एंगल बिटवीन the intersecting curves, angle between the intersecting curves C1 and C2, fine, at Z naught is equal to the angle between the intersecting curves gamma 1 and gamma 2 at W naught, तो ये किस पॉइंट पे, at W naught पे, and also the sense of rotation of angle is preserved। That means, अभी जिस डायरेक्शन में हो रहा था उसी डायरेक्शन में जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी हमारा एंगल सेम डायरेक्शन का होगा, डायरेक्शन वो चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा,
देन द ट्रांसफॉर्मेशन ओके इज कॉल्ड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट कर लो कि अगर इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में, यहाँ पे देखो जैसे ये, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा ना हो करके ये एंगल बन जाए दूसरे डायरेक्शन में, इस तरह से कोई एक नाम दे देते, थीटा बन जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो ये बन जाता है फिर वहां पे वो आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर ये डायरेक्शन जैसे यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या बन जाता है, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कन्फॉर्मल क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है तो हम लोग बस यहाँ तक ही लिखेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल।